और मेरा दिमाग सुन पलने लगा था और मेरी आंखें ऐसे लपकने लगी थी, खुल नहीं रही थी, क्योंकि जब भी सांप काटता है आपकी आंखें पूरी तरह खुल नहीं सकती और आपका शरीर धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। मेरा शरीर हाथ पैर सुन पड़ने लग गए थे और मेरे खून की उल्टियां हो रही थी। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अक्षय बोर्ड से यूट्यूब चैनल पर। गंजनों का क्वेश्चन आया है कि अक्षय भाई को सांप कैसे काटा था। मैं सीधी मुलाकात ले रहा हूँ अक्षय भाई से। मेरा नाम है फारूक लाला। अक्षय भाई, आपको सांप कैसे क्या काटा? तो ये बात है साथियों, महाशिवरात्रि के दूसरे दिन की, उस टाइम था सैटरडे। सैटरडे की शाम को मैंने सांप को छोड़ने गया था। दोपहर को मेरे दोस्त ने उस सांप को पकड़ा था, तो मैं गया था उस सांप का ट्रीटमेंट करने। तो बहुत से लोग वीडियो में बोल रहे थे मुझे कि आप स्टंट करते वक्त सांप ने काट लिया होगा, उसके साथ खेल रहे होंगे, ऐसा बहुत बहुत लोगों ने बोला। पर ऐसा नहीं है साथियों, मैं उस सांप को ट्रीटमेंट कर रहा था, उसके पेट पे थोड़ी सी चोट लगी थी, खून आ रहा था, इसलिए मैं उधर थोड़ी सी हल्दी लगा रहा था। तो लगाते लगाते थोड़ी सी मेरे साथ चुप भूल हो गई और मेरे हाथ को सांप ने काट लिया। सांप के पेट पर लगी थी छोटी सी चोट, आप वीडियो में नीचे देख सकते हो उस सांप को कितनी बड़ी चोट लगी थी। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने लाई दुकान से हल्दी थोड़ी सी उसको लगाने के लिए, क्योंकि हल्दी लगाने के बाद जो इस पे रसायन होते हैं एंटीबायोटिक हल्दी में, उसकी वजह से वो सांप बिल्कुल ठीक हो जाता था। क्योंकि अगर मैं उसको हल्दी नहीं लगाता तो उसको चींटियां और कोई बैक्टीरिया उसको हमला कर सकता था और उसकी जान चली जा सकती थी, इसलिए मैंने हल्दी लाकर उसके पेट पर लगाना चाहता था। तो मेरे पास नहीं थी उस टाइम स्टिक। तो दोस्तों, कभी भी स्टिक का वापर कीजिए जब भी आप सांप पकड़े। तो मैंने छोटी सी लकड़ी ली, फारूक लाला का बोला छोटी सी लकड़ी लाओ, तो उस लकड़ी से मैंने उसका मुंह दबाया। तो जैसे ही मैंने उसका मुंह दबाया तो उसका मुंह नीचे से निकल गया और जैसे ही निकला वो सीधा हाथ पे आ गया मेरे। तो इस जगह पर दोस्तों मुझे काटा था, जैसा कि आप देख सकते हो इस उंगली के ऊपर मुझको सांप ने काट लिया था। जैसे ही मुझे सांप काटा मैंने तुरंत उस सांप को छोड़ दिया और जैसे ही हाथ में देखा तो खून निकल रहा था, एक दांत सीधा अंदर घुसा हुआ था और एक दांत थोड़ा सा ऐसा स्क्रैच करके लगा था उस पर। तो दोस्तों, जैसे ही खून निकला तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, पर मुझे मालूम था सांप काटने के बाद कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबराते हो तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और उससे आपके ब्लड का प्रेशर हाई होने की वजह से आपके खून में तेज़ी से जहर दौड़ेगा, तो इसकी वजह से आपकी बहुत जल्दी जान जा सकती है। क्योंकि कोबरा काटने के बाद, और मुझे वो सांप काटा था कोबरा काटने के बाद इंसान के पास 30 से 40 मिनट या फिर 45 मिनट तक का टाइम रहता है, उसी समय तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए सरकारी, उधर एंटी स्नेक वेनम नाम की दवाई मिलती है, वो लेनी चाहिए। तो जैसे ही मुझे काटा सांप ने तो मैंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। 10-20 कॉल करने के बाद तब भी उन्होंने कॉल का जवाब नहीं दिया था, तो हमने बाइक ली टू व्हीलर और फारूक लाला थे मेरे साथ, फारूक लाला और जो कैमरामैन है हमारे वैभव भाई वो भी हमारे साथ थे। तो हम गाड़ी पर बैठ के सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ चले गए। हमें कुछ नहीं सूझा उस टाइम, किसको कॉल लगाए, कार बुलाए, एम्बुलेंस बुलाए, कुछ सूझा नहीं। तो सीधा हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ चले गए थे। तो जैसे ही मैं दोस्तों एम्बुलेंस में जा रहा था, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी, मेरा दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, क्योंकि एम्बुलेंस में जैसे जैसे धक्के मिल रहे थे वैसे वैसे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था और मैं मरने के कगार पर था। तो हम सीधा 1.5 घंटे के बाद हॉस्पिटल में पहुंच गए आखिरकार, और हॉस्पिटल में पहुंचते बाद ही उधर मेरे को 8 एंटीवेनम लगाए गए। तो जब भी आपकी तबीयत जितनी जितनी बिगड़ती है उतने उतने ज़्यादा आपको डोज दिए जाते हैं एंटीवेनम के, तो मुझे उधर 18 डोज दिए गए। उसके बाद पूरी रात मुझे वहाँ पर ICU रूम में रखा गया, उसके बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो मेरे को उधर 3 दिन तक ICU में रखा गया और चौथे दिन मेरे को जनरल रूम में रखा गया। तो 5वें दिन मेरे को छुट्टी हो गई साथियों, और आज मैं घर पे आ गया हूँ और आप मेरी हालत देख ही सकते हो कैसी हो गई है। तो अक्षय भाई, मेरा तुमसे क्वेश्चन है, सांप काटने के बाद तुम कितने घंटे के बाद हॉस्पिटल में पहुँचे? तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो मैं 1.5-2 घंटे के बाद हॉस्पिटल में पहुँचा। 2 घंटे हो गए थे मुझे, क्योंकि 6 बजे मेरे को सांप ने काटा था और 8 से 8:15 बजे मैं हॉस्पिटल में पहुँचा था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो अक्षय भाई, सांप काटने के बाद तुम्हें क्या क्या हुआ?
तो मुझे पहली बात तो मुझे मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया था 10 मिनट के बाद, और मेरा दिमाग सुन पड़ने लगा था, और मेरी आंखें ऐसे लपकने लगी थी, खुल नहीं रही थी, क्योंकि जब भी सांप काटता है आपकी आंखें पूरी तरह खुल नहीं सकती, और आपका शरीर धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। मेरा शरीर हाथ पैर सुन पड़ने लग गए थे, और मेरे खून की उल्टियाँ हो रही थी, तो मेरे मुँह से थूक निकल रही थी, और मेरा गला सूख गया था, और मेरे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, और मेरे छाती में जलन हो रही थी। तो जब भी किसी पेशेंट की आंखें झपके तो उसको सोने नहीं देना, क्योंकि वो अगर सो गया तो उसकी जान चली जा सकती है। मेरे दोस्तों ने भी मुझे सोने नहीं दिया था। तो अक्षय भाई, सांप काटने के बाद तुम्हें कौन सी दवाई का डोज दिया गया? तो मुझे एंटी स्नेक वेनम नाम की दवाई आती है दोस्तों, तो उस दवाई के मुझे 48 डोज लगे थे। तो मुझे पहले लगे थे 10 डोज, उसके बाद लगे थे 8, उसके बाद 5, ऐसे करते करते मुझे धीरे 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 कम डोज दिए गए थे। तो मेरे को फुल नाइट तक डोज दिए गए थे, और सुबह तक मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, और मुझे आईसीयू में रखा गया था 3 दिन तक, इसलिए मेरी जान बच गई। अगर आपको भी कभी सांप काटता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है साथियों, और उधर आपको एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हो जाएगा, ASV नाम की दवाई रहती है वो। जैसे कि अक्षय भाई तुम्हारे साथ नजर हटी दुर्घटना घटी के ऐसा हुआ है, वैसा तुम्हारी वीडियो देख के कुछ बच्चे है कि नहीं स्टंट मारते, कुछ तुम्हारे सर्प मित्र बिना स्टिक के सांप पकड़ते, उनके लिए कुछ बोलना चाहते? तो मेरा सभी सर्प मित्र से निवेदन है, और जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बूढ़े बच्चे, जो भी मेरा वीडियोस देखते हैं, उन सबको मेरा निवेदन है कि बिना स्टिक के सांप ना पकड़े, और जो अभी छोटी उम्र के है 17 से 18 साल के, वो तो पढ़ाई पर ध्यान दे। तो मेरा वीडियोस देख के आप बिल्कुल कॉपी ना करें दोस्तों, क्योंकि मैं भी अभी बिना स्टिक का सांप नहीं पकड़ूंगा कभी भी, और सेफ्टी के साथ ही पकड़ूंगा। वैसे ही आप बिना स्टिक के कभी भी सांप ना पकड़े, और जो छोटे बच्चे हो वो तो पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, बाद में ये सब काम कीजिए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है। तो अक्षय भाई, फिलहाल आपने तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, मैं खतरे से बाहर हूँ बिल्कुल, बस थोड़ी सी वीकनेस है, 8-10 दिन में मैं ठीक हो जाऊँगा, रिकवर हो जाएंगी मेरी बॉडी पूरी तरह से। आप देख सकते हो मेरी हालत भी बहुत कमज़ोर हो गई है 5-6 दिन में ही। कितना किलो वजन कम हुआ है मेरा? मैंने जब मोजा था तो मेरा था 50 किलो, अभी हो गया है मेरा 44 किलो, 6 किलो मेरा वजन घट गया है दोस्तों। तो अभी मुझे हॉस्पिटल में अभी भी मेरा इलाज चल रहा है, मुझे टॉनिक के 2-2 सलाइन दिन में 2 देने चालू है। अभी आज भी मैं जाऊँगा सलाइन लेने के लिए, पर सलाइन लेने से पहले मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मेरी अभी तबीयत कैसी है। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है साथियों, पर मेरा थोड़ा सा वीकनेस है, वो भी 8-10 दिन में ठीक हो जाएंगी, मगर आपकी दुआओं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ, और महाकाल का आशीर्वाद तो है ही मेरे सर पर। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इसी तरह के, तब तक के लिए तुम खुश रहो, हमारा क्या जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।